हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। LOL हंसी तो फंसी सीजन 1, टोटल 6 एपिसोड्स। हर एक एपिसोड 21 मिनट से लेकर 32 मिनट्स के बीच में ही है। और शो में एज अ होस्ट हमें नज़र आते हैं अरशद वारसी और बोमन ईरानी सर। और कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि एक घर है जिसमें 10 कॉमेडियन होंगे 6 घंटों के लिए, और इन कॉमेडियंस को हंसना नहीं है। ये लोग आपस में जितनी चाहे मर्जी कॉमेडी कर ले, लेकिन ये हंस नहीं सकते। अगर जैसे ही कोई कॉमेडियन हंसेगा तो अरशद वारसी और बोमन ईरानी सर इनको सबसे पहले वार्निंग कार्ड यानी कि येलो कार्ड देंगे, और अगर सेम वही कॉमेडियन फिर से दोबारा से हंसता है तो उसको रेड कार्ड मिलेगा और वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। और जो फाइनली जीतेगा उस बंदे को 25 लाख मिलेंगे। शो में और दो रूल्स है, और शो में बीच बीच में शो टाइम देखने मिला है जहाँ पर इन 10 कॉमेडियंस में से एक परफॉर्म करेगा और बाकी सब लोगों को हंसाने की कोशिश करेगा। और इस कोशिश में जिस तरह से आप हंसोगे वो तो भाई एक अलग ही लेवल पे इस शो को लेके जाता है। कि उसके अलावा यहाँ पर बीच में जॉम्बीज भी देखने को मिलेगी। अब वो जॉम्बीज कौन है वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, उसके लिए तो आपको शो ही देखना पड़ेगा। खैर, शो के लिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि अगर ये एक स्क्रिप्टेड शो है तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, जहाँ पर आपको डेफिनेटली हंसी बहुत आने वाली है। लेकिन अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो इन सारे कॉमेडियंस की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया यार। जो जोक्स क्रैक किए, जिस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे थे, स्पेशली गौरव गेरा जो कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर एंड तक जिस तरह से, सॉरी एंड तक मैंने आपको बता दिया, लेकिन सच में एंड तक जो वो बंदा अलग अलग गेटअप्स में आ रहा था और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा था यार, इतना अंडररेटेड कॉमेडियन मैंने हमारे इंडिया में नहीं देखा भाई भाई। उसके अलावा सुनील ग्रोवर सर, सुरेश मैनर, साइरस भरूचा, आदार मलिक, आकाश गुप्ता, कुशा कपिला, आदित्य मित्तल, यार सब लोगों ने अपने हिस्से को इतना बेहतरीन प्ले किया कि यार कहना पड़ेगा कि अमेजोन वालों ने सेलेक्ट बहुत ही अच्छे कॉमेडियंस किए। और थ्रू आउट द शो मैं एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ। हालांकि ये शो के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। ये मैंने बोलते ना गलती से क्लिक कर दिया और फर्स्ट एपिसोड इसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो मैं स्टिक हो गया तो एंड तक मैं स्टिक रहा। खैर, पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि ये आजकल के कॉमेडियंस है तो डबल मीनिंग का यूज़ तो डेफिनेटली करते हैं, और इस शो में भी आपको देखने को मिलेगा आदार मलिक और मलिका दुआ इनके पोर्शन में, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। आप लोग एडल्ट हो तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और आज की तारीख में जहाँ पर हमारे इंडिया में इतने क्राइसिस है, इतना सैड है सब लोग, तो ये एक ऐसा शो है जो आपको हंसने पर मजबूर करता है और आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ देगा। तो यार ज़रूर चेकआउट करो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए दे रहा हूँ, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं मेरा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।